तिड़क तिड़क के रो रहा है और बेगम साहबा बैठी है, पता नहीं क्या डाल रहे हैं, बड़ा है राम, डर क्यों रही है? नहीं बस गरम चीजें आते वाली देखे जी, आलू गोभी। हाँ जी चाची होने घर माशाल्लाह हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, गोभी और आलू भी डाल दिए हैं, ये डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी और बच्चे भी जब कर जाएंगे हमारा काम भी हो जाएगा। हो रहा है अब ये पैक भी कर रहे हैं, अम्मी जान आग जलाएंगी और हम रोटी बनाएंगे। बंदे को मार दो तो बंदा फिनिश ऊपर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, बात रहे हैं और मुस्कुराते रहे। वेलकम बैक न्यू व्लॉग, एक नए व्लॉग का आगाज हो चुका है, रहने हमारे साथ, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। भाई साहब आलू शरीफ गोभी बदमाश लेके बैठे हुए हैं। हाँ जी, वाह घी भी है। हाँ जी, अभी कल हो तो घेरे घी लेके आए थे, घी का खर्चा ज्यादा है ना बहुत। नहीं कल नहीं लेके आए थे, परसों था, पता नहीं आज चौथा दिन है, था दो बार हड्डी बनती है। ओ ये रोज आता है दो बार, एक बार तो प्यार पकती है, चार आधा किलो होता है, चार कुनिया पकती है चार। अच्छा सही है, आधा किलो में चार कुनिया पकती है। हाँ जी, एक दोपहर को एक शाम को फिर एक दोपहर को एक शाम को, जब कट्ठा आया था तब मौजे लगी थी। हाँ जी इंशाल्लाह अब भी कट्ठा आएगा फिर मौजे लगे। अब तो अल्लाह वारिस है, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। हाँ जी जारी रखो, मेहनत तो हमारी जारी है शुरू से ही। क्या कह रहा है ये अभी अभी तो पैसे दिए थे आपको नहीं, सारा दिन रोज देता है ना, इसलिए अभी सब्जी लेके आया है तो देता वो नहीं देता था ना। हाँ उसने आज दिए, उसने भी नहीं दिए, मैंने दिए, बेगम साहिबा ने दिए, हमारे पास नहीं है भाई। हाँ हमारे पास वही थे जो सुबह इसकी दवाई ले आए बस। चलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, उम्मीद करती है आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बाग रहें हमेशा हंस रहे और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं और हमारा व्लॉग जो स्टार्ट हो चुका है, रहने हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अच्छा जी, हाँ जी ये क्या है, पैसे हैं, कहाँ जा रही हो? अम्मा दीते, वाह जी वाह, अम्मा दीते, ये क्या कर रहे हो? ओ देखो खा रही है। नहीं ऐसे ना खाओ, ये गंदे हो जाएंगे। अम्मी जान भी बैठी है, कैसी तबीयत है, ठीक हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज ये दिख रहा है, हमारे तक नहीं पहुंचेगी। हाँ जी सही है, और जुकाम की वजह से आवाज खराब हो गई। अच्छा हाँ जी चलो सही है। हाँ जी मुसाक लगा रही है। हाँ जी सही है, लगा रही है। हाँ जी वो तो बेगम साहबा ने भी लगाया है, मैंने भी थोड़ा सा मुसाक लगाया है दांत साफ करने के लिए, है ना? हाँ जी मुसाक लगाया था। हाँ। इमे वाह जी वाह, क्या ही बात है। तो वो आसन भाई ने पैसे दिए हैं, जाओ शह ले आओ। हाँ रखे देना, ओडे आदि मम्मी आ, फुफो फुफो साढ़े फुफो। हाँ जी ये देखें बेगम साहब पैसे बांट रही है। हाँ जी ये शेबू के हैं। शेबू अच्छा। हाँ जी वो भाग के आ गया किधर, मेरे प्यो शाहजीना मरियम पुत्र सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, फुल की तरह नहाया नहीं था आज? नहीं अब पानी लगाएंगे फिर, अभी मैं पानी लगाऊंगा लगाएंगे। नहीं इसको नहीं, आज मैं नहीं इसको खाने दी। क्यों? थोड़ा तेल लगाती नहीं है, फिर में कीड़े पड़ने वाले। ओ भाई आज
फिर जब सवेरे को उठूंगी फिर मछली पकड़ के फिर चाचा ठीक पी के फिर आप काम करके फिर लवाऊंगी। हाँ जी सही है। फिर कब लगवाना है? रात को लगा लेना जब रोटी खा के। और रात को अंधेरा होता है ना, ये नजर नहीं आता। अच्छा जी। इतने बड़े बल्फ लगे हुए हैं फिर भी अंधेरा है। चलो अब जाओ शह ले आओ, ये पैसे फाड़ देंगे। जाओ शह ले आओ। साध शेबू साध आख फूफो आ शह गिना जुलू। हाँ जी चलो जाओ मरियम जाओ। बीबी के बीबी ने देखे कपड़े भी फाड़े हुए हैं। ये क्या किया है? ये कपड़े सब के फटे हुए हैं। हाँ आपके भी सारे फटे हुए हैं, बच्चों के भी, मेरे भी कपड़े। मुझे लगता है दी एंड हो गया है कपड़ों का। हाँ जी कपड़े कपड़े का एंड हो गया है, कहीं पे कपड़े नहीं आए। कब लिए थे? छोटी ईद पर लिए थे। हाँ जी छोटी ईद पर लिए थे। दो दो सूट लिए थे सब के, वही पहन के लवली पापड़ ले आया है। इतने ज्यादा कपड़े तो नहीं है ना, ये पांच छह सूट पाएंगे। हाँ ये तो है। चलो अल्लाह खैर करे, ले लेंगे कपड़े भी ले लेंगे। बेगम साहबा क्या ढूंढ रही है गोभी में? मच्छर आए हुए, मच्छर। अच्छा गोभी में मच्छर आए हुए हैं। सही है, ये काट के फिर एकदम सारी धो लेना। शेबू क्या खा रहा है? पापड़। बीबी क्या खा रही है? पापड़। लवली पापड़ खा रहे हो? नम्मे का पापड़। मैंने कहा लवली पापड़ कहते हैं, नम्मे का पापड़। आपके कहाँ गए? जेब में लुकाए हुए हैं। जेब बोलता है कहाँ खास जाएंगे, सारे पापड़ खीसे में पा लिए। काम चेक करें आप अपने बेटे के। हाँ जी मरियम कहाँ गई है? मरियम को बुलाओ, उसको कहो भैया बुला रहा है। मेरा नाम कहो, आपको बुला रहा है, अबू मेरा बुला रहा है, उसको बोलो आ जाओ इधर पानी लगाए। जाओ ढूंढ के आओ, है ना? पानी लगा ले, फिर टाइम होने वाला है, चक्की पर जाना है। पानी लगाएं, गर्मी बहुत हो गई है। लगा लेते हैं। आंधली बाहर। हाँ जी। अब कैसे है, कुछ टांग रखती है नीचे? रखती है, पास जाके उठती है तो रात गिर के टूटती है, लड़खड़ा के। हाँ जी सही है। अभी घास डाला है। हाँ जी सही है, टूट गई है, ऐसा ऐसा सही होगी इंशाल्लाह। हाँ जी एकदम तो सही नहीं हो सकती। हाँ जी इलाज कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। हाँ जी थोड़ा सा घास ले आई था सुबह से, कभी दुखी पड़ी थी ना, कोई सुबह खिलाया था तो। आज हरदाल नहीं काटनी? नहीं, और कल ने हरदाल काटी थी तो उसने नहीं खाई थी। अच्छा और वो भी दूसरा बकरी आया के खा गया। चलो आज फिर घास खाएंगे, फिर कल काटेंगे। हाँ जी। दादी जान क्या हाल है? क्या हाल है? दवाई जो गे नया, तबीयत कोई ठीक है? तबीयत का नहीं ठीक है, बस दवाई बैठी हां जो मैं तो कहीं जो ले ये मेरे जले सवेरे डटी आ लत में लिखाड़ के, ये मैं डर नहीं सकती। अच्छा रात से अपनी इज के समय बेटे का आनंद मता के सब लात में। अच्छा वो दादी जान जो है ना, बकरे को पता नहीं क्या उधर से गुजरी तो बकरे ने टक्कर मारी, नीचे गिर गई, तो ये टांग में ना थोड़ा सा दर्द वगैरह हो गया है। अभी जा रहा हूँ, इंजेक्शन वगैरह ले जाता हूँ, लगवाता हूँ। सुबह दवाई है ले आया था, वो कमजोरी की दवाई दी है तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। वो ऐसा ऐसा जो है ना दवाई असर करेगी जो सुबह। इधर देखें बेगम साहिबा ने जो है ना
किचन में डेरा डाल दिया है। आज मैं टाइम से डाल दिया क्योंकि रात भी लेट हो गई, बच्चे रो रहे थे। रोटी सही है ना, जल्दी वक्ती बना लिया करें। हाँ जी, फिर ऐसे अंधेरा हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। सही है। हाँ जी, बोछन पाया हुआ था। वाह जी वाह, चलो सही है। मेरा टाइम हो गया, फिर मैं जा रहा हूँ चक्की पर। ओके ये देखें जी, घी यहाँ पर जो है ना तिड़क तिड़क के रो रहा है, और बेगम साहब बैठी है, पता नहीं क्या कर रही है। ये मिसाला डाल रही है, अभी मसाला ऐड हो रहा है। टमाटर भी आज कुछ कर दिए है। हाँ जी। डाल दें बिस्मिल्लाह है। डर क्यों रही है? नहीं, बस गरम पीते आते हैं ना इसलिए। सही है। शहदेव क्या भाजी पकाओगे? क्या पकाओगे? वो क्या है? ये क्या है? हाँ यह क्या है? आलू गोभी। आलू गोभी, हाँ ये वाली देखें जी, आलू गोभी। हाँ जी, आलू गोभी रेडी हो रही है। आलू गोभी तो मुझे बहुत पसंद है, फेवरेट लगती है मेरी। हाँ जी, मुझे भी पसंद है, इसलिए आसिम भाई को कहा है, आज बोले आया। बीबी बलाऊ कहाँ गई थी? किधर गई हमें? चाची उनके घर खेलन गई हमें। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वापस आ गई हो। चलो बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय, आमीन, सॉरी, खिलो, हा हा। चलो अब ओके हो गया, ओके हो गया। आप पकड़े कैमरा, मैं जाऊं, ठीक है। माशाल्लाह, हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, भुनाई हो चुका है, और अभी हम डालते हैं लाल मिर्चें और नमक और हल्दी। ये लाल मिर्चें मैंने डाल दी थी, और अभी नमक, ये नमक और हल्दी, ये तीनों चीज़ें साथ में डाल देते हैं क्योंकि ये भुनाई हो जाएंगी। सूखा धनिया और लहसुन मैंने पहले डाल दिया था क्योंकि मोबाइल जो है वो मोशन ले गए थे, डॉक्टर को कॉल करनी थी, इसलिए वो मैं दिखा नहीं पाई। मसाला जो है वो रेडी हो चुका था, भुनाई हो चुका था मिर्चें भी, और अभी जो है मैंने गोभी और आलू भी डाल दिए हैं, ये देखें, और बहुत ही खूबसूरत है। और इनको अब भूनते हैं। गोभी जो है वो भुनाई हो चुकी है, ये देखें नीचे से जल रही है, और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा ही, क्योंकि ये अभी कच्ची है, गली नहीं है। ये देखें पानी जो है वो डाल दिया है, अब इनको पकाते हैं। और इधर अम्मी जान बना रही है आटा। हाँ जी, आज जो है ना हमने टाइम से ही खाने पीने का प्रोग्राम बना रखा है। हाँ जी, वो पिछले वाला टाइम बनाना है, बिचू जाना है, एक दो दिन लेट हो जाने थे, बहुत लेट। हाँ जी, और वाला बच्चे तो भी रोते हैं, और मैं बकरियां फेरो, बकरियां भी आ जाते हैं, फिर काम नहीं थी था, बहुत लेट होती है। हाँ जी, हम कहते हैं कि मगरिब की अजान हो, रोटी भी सालन भी ये तैयार हो जाए, बच्चे भी चुप करके खाएंगे, और काम भी टाइम से हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, रात भी ऐसे लेट हो गई, बच्चे रो रहे थे। हाँ जी, असल में ना वो सब्जी की बात है ना, सब्जी अगर टाइम से आ जाए तो टाइम से हर चीज बन जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो आसन बेटे को तो मैं बोला है कि सब्जी टाइम से ले आया, और लेट थी तो जरा ना बच्चे रोते हैं, रोटी बांटते हैं। हाँ जी, आज वक्ती सब्जी ले आया था, आज वक्ती इंशाल्लाह रोटी बन जाएगी, और बच्चे भी चुप कर जाएंगे, हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ जी, गर्मी भी वैसे बहुत होती है, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, वक्ती काम शाम कर के बंदा चलो पक्का शक्का ला के बैठ जाता है हवा पर। हाँ जी, नहीं तो गर्मी भी बहुत होती है, और लकड़ी नहीं है तो तवी पर रोटियां बनाती बनाते बनाते बहुत गर्मी हो जाती है। हाँ जी, चले ओके हो गया, आप बनाए आटा। हाँ जी, ओके ओके। चला, बच्चे इधर खेल रहे हैं, ये देखे बीबी भी बैठी है। बीबी क्या कर रही हो? है
मीठी, वो कहती है मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और शाहजेब भी ये है, क्या कर रहे हो शाहजेब? वो जो दीवार हमने ये देखे तोड़ी थी उसकी ईंटों पे ये खेल रहे हैं ये देखे। और अवेश भी इधर खड़ा है। अवेश नीचे बैठ जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। ये पट रहे थे हाँ, ये जो शतूत लगा हुआ है वो कहता है मैं ये तोड़ रहा हूँ। और शाहजैन भी इधर बैठा हुआ है। आप भी खेलने आए हो? हाँ जी, वो कहता है हाँ, बोलता नहीं है बस ऐसे सर हिला देता है। ये हमारे कज़न का बेटा है। माशाल्लाह जी, हमारी चारपाइयाँ जो है वो भी लग चुकी हैं और मौसम जो है बिल्कुल ही बहुत गर्मी हो चुकी है। ये देखे पंखा भी हमने लगा दिया है, पंखा इस तरफ है और चारपाइयाँ इस तरफ है। ये देखे सारी, शाहजेब ऊपर बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? गिर गए। और अभी जो है हम किचन वो क्या कहते हैं रोटी बनाएंगे। रोटी बना के फिर आगे जो है हम तो कोशिश कर रहे हैं कि टाइम से बना लें, इंशाल्लाह टाइम से बन जाएगी। और अभी देखते हैं रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। ये देखिए, ये रही हमारी रेसिपी और इनको देखते हैं। पानी हमने डाला था वो लगता है थोड़ा थोड़ा रह गया है। ये देखिए माशाल्लाह, बस बनने ही वाली है, थोड़ी सी देर है। और सारा सामान अभी यहीं पर खिलना पड़ा है। ये देखिए, ये फिर बाद में खाएंगे। और इधर अवेश भी आ गया है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मिट्टी में नहीं गया हूँ पर मल्ले नहीं होते। मिट्टी में नहीं गए थे, अब मल्ले नहीं हुए? हाँ जी। हाँ जी, इधर दिखाओ मुझे, चेक कराओ इसको ना। कल रात से ना कुछ ऐसे दाने वगैरह निकल आए थे, ये मुंह पे भी थे। इधर ऊपर देखो, ये देखो अभी जो है ना कुछ महसूस नहीं हो रहा है। कल रात को तो ज़्यादा थे, सुबह दवाई लेके आए हैं, अब अल्लाह का करम है ठीक हो गए हैं। यहाँ पर जी ये देखें, हम रोटी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अम्मी जान आग जलाएंगी और हम रोटी बनाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हमने साक्षात तैयार रखी है। हाँ जी, ये बड़ा सारा तवा भी धो लिया है। हाँ जी, हाँ जी, तवा भी धो लिया और छड़िया भी ले आए आग हाँ जलाने वास्ते। हाँ जी, बाकी ये भी थोड़ी सी बची पड़ी है, ये देखें। हाँ जी, दो तीन दिन की। हाँ जी, ये तो सोच रही हूँ के एक दो दिन की है, मुक जाएगी तब फिर क्या करेंगे। अल्लाह पाक करम करेगा, अल्लाह पाक देगा और कहीं से किसी और की खजिया उठा के ले आए। हाँ जी, कौन देता है कि हमारे मुल्क में गिराना हर कहीं तो काल है लकड़िया का। हाँ जी, बीबी भी रोने लग गई है, पता नहीं क्या हो गया उसे। माशाल्लाह जी, हमारी रेसिपी जो है ये देखें वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार आलू और गोभी, जिस बहन भाई ने खानी है आके हमारे साथ खा सकता है। और ये जो है ना किचन में अभी नहीं रखी, ये अंदर रखी हुई है क्योंकि मैं रोटी बना रही थी तो मारिया सिस्टर ने ना वो तो मोहसिन की सिस्टर है, मारिया जो है ना वो जल रही थी तो उतार के इधर अंदर रख दी। तो मैंने कहा भी ये बहन भाइयों से शेयर कर दूँ। शाहजेब ने भी और कपड़े मुँह हाथ धो के पहन लिए और ये पता नहीं क्या उठाया हुआ है। ये क्या है, ये क्या है, ये कहता है ये क्या करा, इको क्या करूं, चलो हैं? चलो वो बन गया है, ये पीता है, इसको चलाओ, ये खुद चलाओ, आप चलाओ, चलो 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 चलाते हैं, गुस्से हो रहा है अब, ये फेंक दी गुस्सा बहुत है इसे। और इधर अबू जान भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, शुक्र दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत का सुना दे। ठीक है, बस गर्मी है क्या? हाँ गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है। और तो खैर मेहरबानी अल्लाह की। हाँ जी, बस सारा दिन हवा चलती रही है, अभी जो है ये देखिए थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं तो हवा ख़त्म हो गई है। हवा ख़त्म हो जाती है, गर्मी बहुत हो जाती है। हाँ जी, हमारा जो इलाका है ना ये बहुत खुश है। हाँ जी, बहुत खुश है, बहुत है, ठंड भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है। हाँ जी, ठंड की मौसम, ठंड बहुत ज़्यादा होती है।
गर्मी की मौसम गर्मी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी हमारे यहाँ का जो है ना ये रेतला है ना है पक्का इलाका है। हाँ जी अगर इसका रोड़ा उठा के किसी बंदे को मार दो तो बंदा फिनिश ऊपर चला जाता है ऊपर चला जाता है। हाँ जी तो ये जो है ना बहुत गर्मी है बहुत। हाँ जी बहुत गर्मी है। हाँ जी शाहजेब हमारे देखने वाले कहते होंगे जो भी कैसे कहते हैं वह बहुत गर्मी है बहुत हाँ अच्छा में बैठे रहते हैं हम तो सारा दिन तो धूप से गुजारा करते हैं। हाँ जी हमारे यहाँ तो छाव मिल गई किधर ना मिली। हाँ जी सारा दिन बकरियों के साथ काम करते हैं शाहजेब नहीं करो ऐसे सारा दिन हमारा धूप पे गुजरता है ना। हाँ जी इस टाइम हमारे बहुत गर्मी लगती है अब नहाऊंगा कुछ होश में आऊंगा। चले इसके साथ हमारा व्लॉग भी मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। शादेब करे शादेब पाकिस्तान जिंदाबाद करो पाकिस्तान नहीं कर रहा वो गुस्से है आज। चले ओके हो गया अल्लाह हाफिज़ हो गया।